फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं। आज बनाने वाली हूँ मैं पेरी पेरी क्रिस्पी चिकन, झटपट वाली डिश। पेरी पेरी क्रिस्पी चिकन, मैंने तो पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज सुना था। पेरी पेरी क्रिस्पी चिकन बनाएंगे, स्पाइसी वाला। अफ्तार में थोड़ा सा स्पाइसी भी चाहिए रहता ना, और झटपट बन जाएगा जल्दी। तो भाई आप लोग भी आपके इफ्तार के मौके पे स्पाइसी चीजें ढूंढते हो ना, ये एक रेसिपी है, तो आप भी आपके इफ्तार के मौके पे जरूर बनाना, फटफट झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या जमनी पेरी पेरी चिकन बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, पेरी पेरी मसाला, ब्रेड क्रम, अंडा, नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट, फूड कलर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले बता दूं, मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन ली हूँ 300 ग्राम, ठीक है। हम इसको कट कर लेंगे। मैं कट अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, आपको जैसा कट करना है, लंबा छोटा जो भी आपको कट करना है, ठीक है ना। मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगा ना? हाँ हाँ, और वो भी मस्त बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कट कर ली हूँ छोटे छोटे पीस। अब हम इसको डाल देंगे हमारे बाउल में। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं एक अंडा तोड़ के डालूंगी, इसी के साथ मैं इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन डालूंगी। अब हम डालेंगे इसमें फूड कलर। फूड कलर देखो आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो आप स्किप कर देना। इसमें अब हम डालेंगे नींबू का जूस और थोड़ा सा नमक, बस। तो यहाँ पर मैं अंडा, अदरक लहसुन और फूड कलर, नमक, ये चारों चीज इसमें मिला ली हूँ। अब हम डालेंगे इसमें पेरी पेरी मसाला। इसमें ये 2 पाउच आते हैं, तो मगर मैं 2 नहीं डालूंगी, मैं 300 ग्राम चिकन ली हूँ इसके लिए मैं 1 ही डालूंगी, क्योंकि ये खुद स्पाइसी होता है। तो 300 ग्राम में 1 पैकेट आराम से डाल देना, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पेरी पेरी मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। पेरी पेरी मसाला डालने के बाद इसमें धनिया, हल्दी, मिर्ची, जीरा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही मसाले से पूरा टेस्ट आपको मिल जाएगा। अब मैं इसको एक 5 से 10 मिनट ढक के रखूंगी। आप चाहे तो ये मिक्स रात में भी करके फ्रिज में रख सकते हैं, दूसरे दिन सुबह में या शाम में कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो चिकन को रख के मुझे 10 मिनट हो गया है, और यहाँ पे मैंने तेल भी चढ़ा दी हूँ गर्म करने के लिए। और यहाँ पे हम ब्रेड क्रम ले लेंगे, और यहाँ पे एक एक गोटी उठाते जाएंगे और डायरेक्ट इसमें डालते जाएंगे। 2-3 गोटी मैं एक साथ कर लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, है ना। ये आराम से इस तरीके से लगा के रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम अच्छे से लगा दी हूँ चिकन को। अब हम फ्राई कर लेते हैं, और तेल यहाँ पर मुझे एकदम ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म करना, क्योंकि जो चिकन है हमको अंदर तक अच्छे से पकाना है, तो एकदम ज़्यादा तेल नहीं गर्म करना। ये तो बहुत जल्दी जल्दी बन गया मेरी रेसिपी। हाँ, ये झटपट वाली ही रेसिपी है। अभी 2 मिनट तक एक साइड से हम इसको पकने देंगे, उसके बाद इसको पलटी करके 2 मिनट और पका लेंगे, ये झटपट तैयार हो जाता है। तो 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए, ये खुद ब खुद ऊपर आ गए हैं पकते पकते। अब हम इसको करेंगे पलटी। अभी मैं यहाँ से भी 1 से 1.5 मिनट और पकने दूंगी। तो यहाँ पे मैं 3 से 3.5 मिनट इसको अच्छे से पका ली हूँ, और ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, है ना, झटपट वाली रेसिपी रियाज। बहुत फास्ट बन गई, मैं पहले बोलते तो मैच बना लेता था। ये तो सही बोला। अब मैं इसी तरीके से मेरे दूसरे चिकन भी फ्राई करती हूँ। हाँ, लेकिन ये मैं स्लो गैस पे पका रही हूँ, ये ध्यान रखना, तेल थोड़ा गर्म कर लेना, लेकिन मीडियम से स्लो पे ही पकाना, क्योंकि हमको चिकन अच्छे से अंदर तक पकाना है।
हमारा चिकन कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे चिकन अच्छे से फ्राई हो गए हैं सब, माशाल्लाह। चिकन है में पेरी पेरी क्रिस्पी चिकन, हाँ, वो भी एकदम झटपट। तो यहाँ पर रेडी हो गया है मेरा पेरी पेरी चिकन। यहाँ पे अब हमने एक पैकेट डाल के इसको फ्राई करे थे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा पैकेट कट करके इसके ऊपर से डालूंगी ताकि ये अच्छे से ऊपर से भी चटपटे लगे, है ना। ये एकदम एकदम ओरिजिनल पेरी पेरी क्रिस्पी चिकन की रेसिपी है। हाँ मस्त, देख रहे आप लोग आवाज़ कैसी आ रही, मस्त। रमजान में ऐसी ही तो रेसिपी चाहिए रहता है झटपट। मैं आपको एक चिकन तोड़ के बताऊँ, मस्त एकदम मस्त गल गया एकदम, देख रहे आप लोग। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना पेरी पेरी क्रिस्पी चिकन, देख रहे कितना मस्त दिख रहा है। ये ना चिकन पॉपकॉर्न और चिकन नगेट्स का कॉम्बिनेशन, लेकिन मसाले बिल्कुल अलग है। आप दूसरे जो नॉर्मल मसालों से बनाते हो इसमें वो मसाले नहीं गए, इसमें पेरी पेरी का स्पाइसी मसाला गया, यानी कि अंदर भी स्पाइसी और अब मैंने ना ऊपर से भी पेरी पेरी डाल के इसको ऊपर से भी स्पाइसी कर दिया, क्योंकि उसमें पूरा पेरी पेरी का ही टेस्ट आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एकदम उतना ओरिजिनल रेसिपी है भाई पेरी पेरी चिकन की, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं गया भाई। तो आइए पहले तो मैं आपको सूखा खा के देखते हैं कि चटनी की जरूरत लगेगी या नहीं लगेगी। अभी देखो रमजान को अपने 4-5 दिन बचा है इसीलिए ये टेस्टिंग चालू है। अभी रमजान चालू हो जाएगा तो मैं भी ऐसी बैठूंगा। इसमें अगर पेरी पेरी मसाला हम ज्यादा डाल दे रहे ना तो ये खुद ही स्पाइसी हो जाएगा बिना चटनी के। कितना मस्त है बिना चटनी के। हाँ, और अगर थोड़ा सा छिड़क रहा है तो आप चटनी केचप किसी के भी साथ खा सकते हैं। हाँ, मैं बोल रहा था कि चिकन ना गला भी बहुत मस्त है और आप आपकी मर्जी छोटा बड़ा पीसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप लंबा कटिंग करके ले सकते हैं, छोटा कटिंग करके ले सकते हैं, लंबी पीस ले सकते हैं, आपको जैसा बनाना है। ये बिस्मिल्लाह। अब बात रही पेरी पेरी मसाला हमने कहाँ से लिया। देखो हम लोग तो डीमार्ट गए थे, वहां से हम लोग ने फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए लिया था, लेकिन अम्मी को यहाँ आने के बाद आया चलो अपन चिकन बना के रेसिपी बना देते, बोला चलो ठीक है। तो भाई आप लोग भी आपके किराना स्टोर में चेक कर लेना, अगर किराना स्टोर में नहीं मिला तो डीमार्ट से आप लोग पेरी पेरी मसाला ले नहीं मिल जाता है। बिस्मिल्लाह। अभी पहले खाते हैं पेरी पेरी चिकन, क्रंची क्रंची एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनाया और भी स्पाइसी थोड़ा सा। हां बोलो क्या बोला। मैं बोली पेरी पेरी मसाले का ये मैंने बड़ा पाउच लाई थी डीमार्ट से, सिंगल पाउच आपको कोई भी किराने दुकान में आराम से मिल जाएगा। पेरी पेरी मसाला भी हर कोई दुकान में मिल जा रहा है, मैं कोई ऐसा सामान नहीं डालती कि आपको तकलीफ हो, बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन इसमें मैंने अंडा यूज करी, नहीं बेटा मैं अभी केचप से नहीं खाऊंगी पक्का, मैंने इसमें अंडा यूज करी। अब इसमें मेरे बहुत से सब्सक्राइबर है जो अंडा प्रेस करते हैं। हाँ नहीं नहीं है, बहुत से लोग ऐसे है जो चिकन खाते है लेकिन मैं जो उसमें अंडा डाली फोड़ के उससे परहेज करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर लेना, 1-1.5 चम्मच मैदा डाल देना और 2 चम्मच दूध डाल देना चिकन। मुझे अंडे के लिए बताना ऐसा कौन है जो चिकन खाता अंडा नहीं खाता। नहीं मैं जिसको जानती हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं। मेरे दोस्तों जो चिकन कभी नहीं खाते ना वो लोग भी कभी कभी अंडा खा लेते, लेकिन यार ये तो उल्टा हो गया, चिकन खाते अंडा नहीं खाते। कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा कौन सा। मेरी रेसिपी में देखो मैं लास्ट में जब चखने बैठती हूँ तो मैं पूरा ऑप्शन के साथ बताती हूँ कि इसके साथ ये नहीं जाएगा तो इसके साथ ये जरूर जाएगा। तो आप अंडे को अगर स्किप करना चाहते हैं तो पेरी पेरी मसाले के और अदरक लहसुन के साथ 1-1.5 चम्मच मैदा जरूर ऐड करना, या आपका 300 ग्राम चिकन है तो आप 1 ही चम्मच मैदा डालना और 2 चम्मच दूध ऐड कर देना, ठीक है। तो अंडे का ऑप्शन मैंने बता दिया आपको और बाकी तो सब जो मैंने रखी वही रखना है ना, जो अंडा नहीं खाते उन लोगों को, बाकी जो अंडा खाते वो तो अंडा ही डाल देना, एक अंडे में काम हो जाता है। मस्त रमजान में छोटी छोटी रेसिपी इस तरीके की ना झटपट बनती ना, मेरे रियाज को तो रोज ऐसा चिकन तल के दे दो तुम अफ्तारी में। अफ्तारी ज्यादा तो नहीं करता है, एक खजूर खाएगा बाद में देखेगा ढूंढेगा चिकन विकन का कुछ आइटम है क्या नहीं, फिर एक दो खाएगा फिर भाग जाएगा नमाज को, ज्यादा अफ्तारी का नहीं। बहुत से लोग ऐसे जो देख रहे हैं उसमें से आधे लोग हो गए कि चिकन तो चाहिए अफ्तारी में। हाँ इसको चाहिए रहता है लेकिन ज्यादा नहीं खाया, एक दो गोटी खाएगा लेकिन वो दिन भर की जो भूख रहती ना वो खत्म हो जाती है उसकी एक दो गोटी खाने से, फिर नमाज चले जाता है। चलो तो भाई कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी छोटी मोटी सी ये रेसिपी, कमेंट्स करके जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी आपके इफ्तार के टाइम पे ये जरूर ट्राई करना, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। और जिसके पास ऐसी छोटी रेसिपी है तो आप मुझे शेयर करना, मैं मेरे चैनल पे जरूर डालूंगी। अगर जिसके पास ऐसा छोटी रेसिपी की आइडिया है तो मुझे शेयर कर सकते हैं आप लोग, मैं वो भी अपने चैनल पे जरूर डालूंगी। ठीक है ठीक है,
तो गाइस जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। हां और वीडियो को ना थोड़ा शेयर करो क्योंकि ये पहली पहली चिकन शेयर करने से क्या होगा ना लोगों तक आइडिया पहुंचे और अपने घर पे बना के खा ले। चलते हैं मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़ बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।